विश्वास करते हो? आई हैड एन एनकाउंटर. हम इतने थके हुए इसलिए है क्योंकि इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं. अभी पता चला जब सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई, फाइल्स में साउंड ही नहीं है. मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन बच्चों को मैंने काम करते हुए इनके जुनून को देखा है. वीडियो तो नहीं है अब हमारे पास, सोच रहे कभी लाइव ले ले, सोच रहे वीडियो नहीं डाले. तो तुषार ने बोला नहीं, हम अपने फैंस के साथ अन्याय नहीं करेंगे. और ये कहानी भी ऐसी है ना, थोड़ी सी सुपर नेचुरल है. और जब हम बता रहे थे तभी मुझे बहुत क्रीपी फील हो रहा था, और उसके बाद उस वीडियो में साउंड नहीं है, ये भी बहुत क्रीपी चीज हो गई. तो इस कहानी में कुछ तो बात है करने. इस कहानी हमने सोचा आपको बताए, ये शेयर करे और पंगा हो गया और नहीं शेयर. भूत भूत में विश्वास करते हो? नहीं करते. ये तो नहीं करते आप? करते हो? नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ कभी कभी आपके अपने घर के अंदर कुछ होता है तो आदमी थोड़ा कंफ्यूज तो हो जाता है. तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था प्रेगनेंसी में. एक दिन क्या हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से नीचे उतर रही थी, कुछ 12-13 सीढ़ियां है रेलिंग भी है पकड़ने की. मेरे को याद है कि मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ था रेलिंग को, क्योंकि मैं बहुत कॉशियस होके उतर रही थी. मेरे को पता था कि मैं प्रेगनेंट हूँ, मैं गिर नहीं सकती हूँ. और बस ये गिर गई. मैं सीढ़ियों से धर 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 से नीचे गिरी. थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में. एंड आई स्वेयर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने नीचे से मेरा पैर ऐसे पकड़ा और मुझे खींचा है, और इसलिए मैं नीचे गिरी. मम्मी तो नीचे तो बहुत रह गई जब गिरी, मतलब रिएक्ट नहीं कर, शॉक हो गया था मम्मी को कि शिवानी गिर गई. मेरा फोन हाथ से गिरा और मैं सीढ़ी पे आई, शिवानी शिवानी. ओह गॉड. और उस समय वैसा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप सुपर नेचुरल एक्टिविटी से कनेक्ट हो जाते हो. लिटरली ऐसा फील हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा, खींचा और मुझे गिराया गया है. मैं गिरी नहीं थी, मैं फिसली नहीं थी, क्योंकि मेरा पैर नहीं फिसला, मेरे को पैर खींचने की मेमोरी है. डॉक्टर भी बोली थी मिरेकल है कि शी इज फाइन, नहीं तो बहुत सीवियर कुछ हो सकता था. वैसे भी इसको चोट बहुत कम जाए, मेरे मोटापा के कारण मैं बच गई. सीढ़ी से धर धर गिरी तो कैसे ना, ये बैठी पोजीशन में 1-2 क्योंकि मैंने ये सीलिंग रीलिंग पकड़ी हुई थी ना, ये रीलिंग पकड़ने के कारण मैं ऐसे स्लिप की और हॉरिबल. हाँ, हॉरिबल एक्सपीरियंस तो इन लोगों के लिए था, मेरे लिए हॉरर एक्सपीरियंस था. आई हैड एन एनकाउंटर. मुझे पता था कि इट इज नॉट नेचुरल. मुझको अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं सोचते हुए. और जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं ये भी बताया कि मैं, मेरे और मम्मी, हम दोनों के साथ इंसिडेंट हुआ था. हम लोग सब सापुतारा जा रहे थे, गाड़ी में 4 लोग थे, और हमें कुछ दिखाई दिया जो मेरे और मेरी मम्मी को, सासू माँ को ही दिखाई दिया, और बाकी लोगों को नहीं दिखाई दिया गाड़ी में. तो आई डोंट नो, बहुत ही ज्यादा क्रीपी सी होती जा रही है कॉन्वर्सेशन. ये हम एक्चुअली बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि हमारी वीडियो नहीं बनी है इस टॉपिक पे. हम बना रहे थे, हम तो पूरी बात ही करने बैठ गए. ओके, हाँ, सुबह के 5 बज रहे. सो ओके गाइस, सॉरी इस बार वीडियो इनकम्प्लीट आ रही है आपके पास. आध्या भी नहीं है इस वीडियो में. सॉरी, इस संडे हम अच्छे से एक सच्ची कहानी नहीं बता पाए आपको. मैं बताती हूँ, बट आप लोग जरूर बताना आपके पास ऐसी कोई कहानी है या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप नहीं शेयर कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के साथ भी कुछ हुआ है कि नहीं. थैंक यू एक ही चीज को 10 बार बोलने के लिए. तुषार, ये बज रहे हैं सुबह के 6 और ये पूरा घर सुनसान हुआ पड़े है. यहाँ पे एक कुत्ता, यहाँ पे दूसरा कुत्ता, और इस रूम के अंदर है आध्या, मम्मी और पापा जी सब सो रहे हैं. मम्मी की बुक्स बुक्स खुल गई है, मम्मी यहाँ पे चाय पी चुकी है, सुबह पढ़ाई कर चुकी है. मम्मी 4 बजे जग जाते हैं. तो इसी बात पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो.